उसको स्वागत करो यूट्यूब से एग्जामेंट पर बात करेंगे बीएस के टोटल फॉर्म फिलअप के लिए। मैं चाहता हूँ इसकी रिप्लाई जो एग्जाम से पहले आ जाए ताकि लड़कों को पता चले क्या इसका कंपटीशन रहने वाला है। अगर फॉर्म फिलअप हो गए तो कंपटीशन ऐसे ही कम रहेंगे, हाई फॉर्म फिलअप होंगे तो कंपटीशन हाई रहेगा। तो इससे लड़कों को मोटिवेशन या डीमोटिवेशन पहले से भाप लेते हैं कि मेरा तैयारी कैसे है, किस हिसाब से तैयारी को अपने अंतिम रूप देना चाहिए, उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी होता है। चलिए आपको ले चलते हैं, पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, कुल जो है फॉर्म पड़े हैं 182,393, यूआर में 20,520 पड़े हैं, एससी में सबसे ज़्यादा 85,831 पड़े हैं, एसटी में 30,789 पड़े हैं, और ये बात कर लें ईडब्ल्यूएस में सबसे कम जो है 8,259 यानी 8,259 पड़े हैं, और ओबीसी में 37,004 पड़े हैं। एक और पोस्ट के लिए आरटीआई रिप्लाई मैंने दो डाला था, एक और पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए जो है मात्र इसमें 90,000 ही पड़े हैं, उसमें यूआर की बात कर लें 12,218, एससी की बात कर लें 36,558, एसटी की बात कर लें 12,886, ईडब्ल्यूएस की 4,645, ओबीसी की बात करें 23,743। अब हम बात करते हैं, ये आप देख चुके होंगे ठीक है, ये पूरा आप लगा सकते हैं कि काफ़ी कम फॉर्म पड़े हैं भाई। ईएसआईसी में हम अगर यूडीसी की बात कर लें, यूडीसी में केवल 3,00,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं। अब इसमें जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए मात्र 1,82,000, जिसमें भी सबसे कम जो है ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस कोई भरा है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मे बी इसका कट ऑफ काफ़ी कम जा सकता है ठीक है। अब बात करते हैं इसका अटेंडेंस, मेरे हिसाब से जो अटेंडेंस रहा है इसमें जो है 70-80% के बीच में अटेंडेंस रहा है। आरटीआई रिप्लाई जैसे आएगा मैं आपको उसके लिए बता दूंगा ठीक है, कोई भी अपडेट मैं मिस नहीं करता हूँ। एक और चीज़ है, आप लोग क्या करते हैं जैसे चैनल पे तो आते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब का जो रेशियो देखिए मान लीजिए 5.2% है, पहले ये 1% था। थोड़ा सा विश्वास जताने के लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब रेशियो को थोड़ा सा और बढ़ाइए। 94% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, यानी 100 लोग में 94% आते हैं चले जाते हैं देखे भी मतलब सब्सक्राइब किए बिना। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं कोई भी अपडेट नहीं छोड़ता भाई। आरटीआई रिप्लाई मेरे चैनल पर देख सकते हैं, एक एक चीज़ का आरटीआई रिप्लाई मैं डालता हूँ, केवल आप लोग के डालता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करें ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका अटेंडेंस का आरटीआई रिप्लाई जैसा आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो होप करेंगे आप ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए एग्जाम से जरूर। एक एक और चीज़ शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे या किसी भी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ। थैंक यू जुड़े रहने के लिए और देखते रहने के लिए।